आपकी कम्युनिटी है, जो समाज आपका बंजारा, इसका क्या इतिहास है? उनको जब पता चला कि शेड्यूल ट्राइब में हम आते हैं, रिजर्वेशन है वो शेड्यूल ट्राइब में है, 2008 अख्तर इमान साहब ने बेड़ा उठाया है कि मैं इस कम्युनिटी की आवाज़ बनूंगा। कम्युनिटी समाज जो है ये तो पहले ये है कि ये लोग टहलते रहते हैं, तो क्या अभी भी वैसा ही आप लोग की जगह रह रहे हैं मुस्तकिल? अभी जैसे मान लीजिए हम वहाँ रह रहे हैं, हम समाज के मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, मेन स्ट्रीम में हैं। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि शेड्यूल ट्राइब जो है वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकती। बंजारा कम्युनिटी उन लोगों के लिए कानून बनाया था, मतलब ये लोग जन्मजात अपराधी हैं, मतलब पैदाइशी तौर पर अपराधी मुजरिम है। एक शेख कम्युनिटी में शादी की है। अब हम लोग में क्या है कि अगर आप किसी दूसरे कम्युनिटी में भी शादी नहीं कर सकते, हम ना उसके मिट्टी में शामिल हो सकते हैं, ना उसके भोज में कहीं, नहीं इतना ज्यादा इस तरह का एकदम सकती है अभी भी। मिला टाइम्स में खुश आमदीद, मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं बिहार के युवा नेता सैफ अली, और जो अहम मुद्दा जिस पर बातचीत करने जा रहे हैं वह है शेड्यूल ट्राइबर का। जब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की बातचीत सामने आती है तो हमें लगता है कि जिस तरह शेड्यूल कास्ट में कोई मुसलमान नहीं है, या जैसे ही शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स इस्लाम कबूल करता है, मुसलमान होता है, वो शेड्यूल कास्ट से निकल करके ओबीसी समाज में आ जाता है और उसको बहुत सारे रिजर्वेशन के फ़ायदों से भी महरूम कर दिया जाता है। एक अलग पूरा प्रोसेस है, या कह लीजिएगा अलग मुसलमानों के खिलाफ कानून समझिए। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी लोगों के जहन में यह है कि उसमें मुसलमान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेड्यूल ट्राइब में, या दूसरे लफ्ज़ों में आदिवासी कह लीजिए, वहाँ बहुत सारे मुसलमान पाए जाते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ शेड्यूल ट्राइब है मुसलमान है, उसी तरह बिहार में भी शेड्यूल ट्राइब मौजूद है, बंजारा समाज है और उसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं सैफ अली। तो इनसे बातचीत करते हैं कि कब इन्होंने दरियाफ्त की। सैफ अली, मिला टाइम्स में खुश आमदीद। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो शेड्यूल ट्राइब है या जो आपकी कम्युनिटी है, जो समाज आपका बंजारा, इसका क्या इतिहास है? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे खुद नहीं पता था कि हम हमारा जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल ट्राइब में है। 2018 में जब हमारे एक भाई हैं ज़मीर नाम, उनका भी हाई स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने जब उनको जब पता चला कि शेड्यूल ट्राइब में हम आते हैं, तो उन्होंने फिर सीईओ के यहाँ जाना, फिर जो डीएम है वहाँ जाना कि भाई हम शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, तो उन लोगों ने साफ कराया भाई मुसलमान हो तुमको तो आरक्षण हो ही नहीं सकता है। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि शेड्यूल ट्राइब जो है वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, आप इन लोगों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत कीजिए भौतिक सत्यापन करके, एक्सपोर्ट वेरिफिकेशन करके। उसके बाद से जातियाँ जो है, अनुसूचित जनजाति जो हमारी कम्युनिटी है, उसका प्रमाण पत्र बनने लगा। असल में क्या है कि हमारी कम्युनिटी का इतिहास तो बहुत पुराना है, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन हम लोगों को आज़ादी जो है 1952 में मिली थी। पूछिए कैसे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी जो कम्युनिटी थी, नोमेडिक कम्युनिटी, बंजारा कम्युनिटी, उन लोगों के लिए कानून बनाया था, क्योंकि उन लोग द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, मतलब ये लोग जन्मजात अपराधी हैं, मतलब पैदाइशी तौर पर अपराधी मुजरिम हैं। उनको डर ये बात का था क्योंकि हमारा जो कबीला है वो तो घूमता रहता है, और उनके पास जो है हथियार के तौर पे उस समय कुल्हाड़ी, फरसा, भाला, ये जो रहता था, तो उनको डर लगता था कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो है हमारे खिलाफ जो है ये मूवमेंट तैयार कर रहे हैं, मूवमेंट तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए क्या था कि अब जितने भी वहाँ जो उस समय अंग्रेज लोग क्या थे कि सबको एकदम जहाँ पे तंबू लगा रहता था सबको उठा के बंद कर देते थे। तो बहुत सारी समस्याएं उस वक्त भी हमारे साथ रही। 1952 में फिर नेहरू जी ने कहा भाई कोई जन्मजात अपराधी कैसे हो सकता है, तो फिर हम लोगों को जो है क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से हटा दिया गया। ये हमारा अभी तो ये जो पूरा आपका इतिहास रहा, अब आप को कैसे पता चला कि आप लोग ट्राइब में आते हैं, रिजर्वेशन मिलता है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? जैसे देखिए, जैसे हम अररिया के फॉरबिसगंज से हैं, तो शुरुआत में जब हमें पता चला तो उसके बाद हम लोग अपने स्तर पर, क्योंकि एजुकेशन तो था नहीं, हम मुझे लगता है कि अपनी पीढ़ी में जो हमारी कबीला है वहाँ जो फारबिसगंज में, हम लोग जो 100-150 घर हैं, कबीला बोलते हैं, हाँ कबीलाई ज़िंदगी है, वी कबीलाई ज़िंदगी है हम लोगों की, तो हमारे कबीले में जो 100-150 परिवार है, तो उन लोगों में से 2-4-5 लोग ही हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं इस जनरेशन में। सोचिए कि अभी इस भीड़ में 2-4-5 लोग पड़े हुए थे, जब हम लोगों को नॉलेज हुआ कि भाई हम शेड्यूल ट्राइब में हैं और हमको आरक्षण होते हुए भी हम जो है भटक रहे हैं, तब जो है जो संबंधित पदाधिकारी है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अंचलाधिकारी हो, चाहे डीएम हो, तो उस वक्त क्या था कि सब मान लीजिए अचानक से कहीं जा रहे, तो भैया खतियान दिखाओ। खतियान क्या है? कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी का या शेड्यूल कास्ट का खतियान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम ट्राइबल हैं, अगर तो ट्राइबल है तो घूम रहे हैं भाई, तो हमारे पास तो जमीन होगा नहीं, तब ना बन जा रहा है हम, तो अब खतियान लाओ।
ये लोगों को नॉलेज नहीं है, इससे हरास होता है हम लोगों को। हमारे जैसे लोग को, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग को 6 महीने तक संघर्ष करना पड़ा उसके पास, उसके बाद हम लोगों की जाति निर्गत होती है भौतिक सत्यापन करके सारी जाँच पड़ताल करने के बाद। रहा बात बिहार में, बिहार में लगभग हमारी आबादी जो है 10 लाख है। कहाँ कहाँ है बिहार में? बिहार में आपको अररिया जिला हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, हाजीपुर हो गया, कटिहार हो गया, सहरसा हो गया, आपको बेतिया जिला हो गया, हर जगह मेरी हमारी आबादी है। आप कह रहे 10 लाख बिहार में आबादी है, लेकिन बंजारा के बारे में आता है कि वो हमेशा टहलते रहते हैं, मतलब कभी आपका घर यहाँ, कभी वहाँ टेंट लगाए रहने लगे। तो जो पूरा सिस्टम है कि आधार कार्ड किस बुनियाद पर बनता है, कहाँ का एड्रेस होता है, क्या किस सिस्टम किस तरह है? देखिए हमारे, हम लोगों में क्या है कि हम लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों है बंजारा में। तो हिंदू जो पॉपुलेशन है वो बंजारों के वो अधिक है, मुस्लिम जो पॉपुलेशन जो कन्वर्ट हुए हैं उनका पॉपुलेशन कम है। जैसे हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन होगी पूरे बिहार में तो 50,000 होगी। और हम लोगों का कल्चर अलग है, हमारा संविधान अलग है, हमारा कानून अलग है। हम खुद एक मतलब जो बंजारा समाज से हटके आप लोगों का पूरा नहीं रिवाज है, बंजारा समाज का रीति रिवाज है, समाज से हटके हमारा रीति रिवाज है। जैसे क्या है कि हमने एक शेख कम्युनिटी में शादी की है। अब हम लोग में क्या है कि अगर आप किसी दूसरे कम्युनिटी में भी शादी नहीं कर सकते, जिस कबीले से हैं आप, हमारे में भी अलग अलग तरह का कबीला है, तो हम जिस कबीले से बिलोंग करते हैं उसी कबीले में शादी कर सकते हैं। अब हमने शेख में शादी कर ली, तो अब जो हमारा जो संवैधानिक कानून है उस कानून के हिसाब से हम एकदम बायकॉट हो गया। हम ना उसके मिट्टी में शामिल हो सकते हैं, ना उसके भोज बारात में शामिल हो सकते हैं, कहीं नहीं। इतना ज़्यादा इस तरह का एकदम सख्ती है अभी भी। तो आपने खत्म किया उसको? एकदम काम कर रहे हैं उस पे लगातार। हमारे वादे की आपने शादी की इसी वजह से तो है परेशानी, दूसरी जगह शादी कर ली आप शादी करने की वजह से। अभी मान लीजिए हमारी आपको ये कह लीजिए कि बिहार में खासकर जो सियासत में हमारा जो कोई पॉलिटिकल होता है ना कि एक पॉलिटिकल पावर साथ में खड़ी हो, हर कम्युनिटी के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल पावर खड़ी है, हमारे साथ कोई पॉलिटिकल पावर खड़ी नहीं है। अभी जो AIM है बिहार में मजलिस, हाँ, तो अख्तर रहमान साहब ने बेड़ा उठाया है कि मैं इस कम्युनिटी की आवाज़ बनूँगा। और हमारे जैसे मिनिमाइज कम्युनिटी के लोगों को भी, समाज जो है ये तो पहले ये है कि ये लोग टहलते रहते हैं, तो क्या अभी भी वैसा ही आप लोगों की जगह रह रहे हैं मुस्तकिल? अभी जैसे मान लीजिए हम वहाँ रह रहे हैं, हम समाज के मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, मेन स्ट्रीम में हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं। और जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा। अच्छा बताइए, आप लोग बंजारा समाज से आते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर घूमना, टेंट लगाना, तो अर्तुगरल गाजी ड्रामा देखा होगा, वो लोग भी इसी तरह से, मतलब कबायली ज़िंदगी उनकी थी, यहाँ वहाँ ज़मीनों के लिए वो परेशान होते थे, फिर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की, तो कुछ हौसला मिलता है आप लोगों को उनसे? एकदम हौसला मिलता है। और इसलिए भी मैं अपने स्तर पर जहाँ भी, 2 बार मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है अपने कम्युनिटी के लिए, जो जहाँ जिस लेवल पर मैं कर सकता हूँ कोशिश वो कर रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहा हूँ? आवाज़ बस ये है कि हमारे आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए हुकूमत के पास, जो सत्ता में बैठे लोग हैं। मान लीजिए जो हर बिहार में हर जातियों के नेता हैं, माझी जी मुसड़ के लिए हैं, मल्लाह के लिए बने हुए हैं मुकेश सहनी, पासवान के लिए रामविलास पासवान जी थे, उनके बेटे हैं, उनके चचा हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि बंजारा समाज का भी एक नेता होना चाहिए और वो नेता माना जाए सैफ अली को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह सैफ अली भी नेता हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए एक मजबूत लीडरशिप जिसके रहबरी में हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ सके। खुद आप बढ़िए, मैं तो चाहूँगा सैफ अली आगे बढ़े, लीडर बने, बंजारा समाज को इंसाफ दे, दुनिया तरक्की कर चुकी है, आप लोग भी एक जगह रहिए, घर बना कर रहिए, आप एक डेटा तैयार कीजिए कितने लोग इस तरह के हैं, उनके पास ज़मीन है नहीं है, उसके लिए एक पूरी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। अगर मैं अगर कहूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि इस वक्त जो मज़लूम है बंजारा समाज है, कि आज के दौर में भी उनके पास ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, डॉक्यूमेंट्स तक बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी यूँ ही गुजर जाती है। और सैफ अली अगर कोशिश कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करना चाहिए बगैर किसी मजहबी तफरीक के। क्या आप सिर्फ मुसलमान बंजारा की लीडर बनना चाहते हैं? सभी बंजारा। तो बहुत शुक्रिया सैफ अली, थे हमारे साथ, बिहार के युवा लीडर हैं, बिहार के अररिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने अपनी कम्युनिटी का दर्द बताया कि किस तरह इनके साथ मामला पेश आया। इन्होंने किताब भी लिखी है, नीतीश कुमार ने उसका इजरा किया था इसी बंजारा समाज की तारीख पर। और एक अहम बात है, क्योंकि इस वक्त बहस हो रही है, मुसलमानों को कहीं उसमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिया जाता है। तो आदिवासी में या शेड्यूल ट्राइब में एक कम्युनिटी बिहार में मौजूद है, और लोगों को समझना होगा, जानना होगा, और इसलिए इस वीडियो इंटरव्यू का मकसद
मकसद है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि बंजारा समाज जो शेड्यूल ट्राइब में है उनको इंसाफ मिले और लोगों को कोशिश करनी चाहिए। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।